हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 जनरल फार्माकोलॉजी का, जिसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। क्या होती है बायो अवेलेबिलिटी और कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब बातें थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। हाँ ठीक, तो देखो क्या कह रहा है डेफिनेशन में अगर हम लोग चलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन में कह रहा है बायो अवेलेबिलिटी इज द रेट, ठीक है, रेट मतलब किस दर से एंड एक्सटेंट, किस हद तक, ठीक है ना, क्या रफ्तार है और कितना, टू विच एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग बाय एनी रूट, कोई भी रूट हो, रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि हमने कोई दवा दी, किसी भी रूट से दे दी, कोई भी डोज फॉर्म हो, किसी भी रूट से दे दिया ना, आईवी दिया, आईएम दिया, ओरल दिया, किसी भी रूट से दिया, अब वो किस रेट से, किस रफ्तार से, किस हद तक, कितना, 100 ग्राम दिया तो कितना जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हमने खाया तो 100 ग्राम, क्या पूरा जाएगा 100 ग्राम, यही तो खेल है सारा, यही है बायो अवेलेबिलिटी, समझो, किस दर से और कितना कहा पहुंचना है उसको, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। अब देखो बच्चों, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बहुत सारे वर्ड पुराने वाले रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने खास कर कह रखा है पुराने वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हर बार मैं हर शब्द को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वीडियो बार बार बहुत लेंदी होता चला जाएगा। आओ समझते हैं, अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ 100 mg ऑफ ड्रग, 100 mg ड्रग दिया, इज एडमिनिस्टर्ड ओरली, एडमिनिस्टर दिया गया मतलब ओरली दिया गया, 70 mg इज एब्जॉर्ब अनचेंज, 30 mg टूट फूट गया बॉडी से, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ, पेट के पीएच ने उसको तोड़ दिया, और 70 mg पूरा जाकर के हमारे ब्लड में जाकर घुल गया, तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी कहलाएगी 0.7 और 70%। बात समझ में आ गई ना, सिंपल सी बात, 100 mg दवा दी बिना चेंज हुए, ठीक है, जो दवा दी है जिस रूप में हम चाहते थे उसी रूप में ब्लड में पहुंच जाए, ठीक है ना, तो जितनी पहुंच गई, ठीक है ना, फिर उसका रेशो निकालते हैं, अभी रेशो बताऊंगा मैं कैसे निकालते हैं, टोटल, ठीक है, और कितनी पहुंच गई, अवेलेबल, तो इस तरीके से निकालेंगे, अभी हम चेक करेंगे इसको अभी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। आज के टॉपिक से 2-3 चीजें तुमको क्लियर हो जाएंगी। कौन सी? एक टॉपिक है कि आखिरकार बच्चा पूछता है, कोई तो मेडिसिन, जैसे कि तो मैं बताऊं तुमको, ऑफ्लॉक्सासिन सुना होगा, 200 mg की दवा आती है, कोई 500 mg आती है, ठीक है ना, कोई 400 mg की आती है, कोई 1000 mg की आ रही है, ऐसा क्यों है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी है, सेम मेडिसिन अगर इंजेक्शन के थ्रू दी जा रही है तो 10 mg की दी जा रही है ना, और सेम मेडिसिन जब दवा के रूप में दी जाती है तो 400 mg की दी जा रही है, 100 mg की दी जा रही है, ऐसा क्या हो गया। प्लस जो एक मार्केट में अफवाह रहती है कि जेनरिक दवाइयां लोकल होती हैं उतना अच्छा काम नहीं करती हैं, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जेनरिक और पेटेंट में कोई अंतर नहीं होता है। कैसे अंतर नहीं होता है? उनके अंदर जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसके हिसाब से दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। फिर आखिरकार जेनरिक दवाइयां कई बार उतना अच्छा काम क्यों नहीं कर पाती हैं? आओ देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यार इस ब्रांड की दवाई ने अच्छा काम किया, इस दवाई के ब्रांड ने अच्छा काम नहीं किया, कई सारे सवाल है, सब क्लियर होंगे आज के चैप्टर में, सॉरी आज के लेक्चर में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डिटरमाइनिंग बायो अवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है कि हमें दवा की बायो अवेलेबिलिटी पता हो, क्यों, फॉर कैलकुलेटिंग ड्रग डोजेस, ठीक है ना, ड्रग डोजेस फॉर नॉन इंट्रावीनस रूट, जो नॉन, जब हमको आईवी नहीं देना था, जो आईवी दिया वो तो जितना दिया 100 mg दिया तो पूरा 100 पहुंच गया खून के अंदर डायरेक्ट, लेकिन अगर आईवी नहीं दे रहे हैं तो पूरा 100 mg नहीं पहुंचेगा, तो हमें ये जानना जरूरी है आखिरकार अगर मुंह से खिलाएंगे तो कितना पहुंचेगा। बात समझ रहे, आ रही है, ठीक है। नॉन इंटरवीनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज आफ्टर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन 100% ऑफ द ड्रग रैपिडली एंटर्स द सर्कुलेशन, तो आईवी सर्कुलेशन का तो कोई दिक्कत नहीं है, आईवी में तो जितना दिया पूरा पूरा पहुंचता है, आईवी को छोड़ के अगर कोई और रूट से दिया जा रहा है तो उसके लिए हमें बायो अवेलेबिलिटी का पता होना जरूरी है।
ठीक है, छोटा सा उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे यही हुआ कि कितना दवा पहुंची अंदर, 70 mg पहुंची। अब मान लो तुम पेशेंट को देना चाहते हो कितना, लगभग तुम चाहते हो 250 mg दवा पहुंचे उसके खून में, तब जाके वो कोई बीमारी ठीक होगी। 250 mg निकलेगा, अगर सपोज तुमने कितनी 250 mg की एक दवाई बनाई मार्केट में और तुमने दे दी, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 70% केवल, ठीक है। यानी कि कितनी दवा पहुंचेगी उसके ब्लड के अंदर, 70 और 35, तो कितना हो गया ये 5, 7, 7, 14 और 3, 17, 175 mg मात्र कितनी दवा पहुंची उसकी बॉडी में, 175 mg, इसका निकाल लो 70%। तो देनी कितनी थी 250, तो यानी कि तुमको अगर 250 mg तक पहुंचानी है तो दवा कम से कम कितनी बनाओगे, कम से कम कितनी बनाओगे 400 mg दवा बनाओगे, तब कहीं जाकर के उसके बॉडी में 250 mg तक की दवा पहुंच पाएगी। तो अब यहां से कुछ बात क्लियर हो रही होगी ना, अच्छा क्यों अलग अलग दवाइयों के mg अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनकी सबकी बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है। मजा आया, चलो आगे चलते हैं। तो एक डाउट क्लियर हुआ कि आखिरकार क्यों कुछ दवाइयां 400 mg की होती हैं, कुछ 500 की होती हैं, तो क्यों इस तरह से बनाई जाती है, ये बात अब क्लियर हो गई होगी। आगे आते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। बायो अवेलेबिलिटी इज डिटरमाइन बाय कंपेयरिंग, इसको हम डिटरमाइन करते कैसे हैं, हम लोग कंपेयर करवा देते हैं प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग। अच्छा देखो, जब खून में पहुंचा तो ब्लड का कंपोजिशन तो पता होगा, आई थिंक ब्लड के अंदर क्या चीजें होती हैं, है ना, एक प्लाज्मा होता है ना, और बाद बाकी RBC WBC तमाम चीजें होती हैं ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर काफी मात्रा में क्या मौजूद होता है, प्लाज्मा। तो जैसे ही खून के अंदर पहुंचेगा तो काफी सारा ड्रग हमारा कहां किसके अंदर चला जाता है, प्लाज्मा के अंदर चला जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए बार बार प्लाज्मा लेवल का जिक्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे वहां पर यह और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों बार बार यहां पर प्लाज्मा लेवल की बात आती है। तो हमने क्या किया, ड्रग को देते हैं और ड्रग का कंपेयर करवाते हैं क्या प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग आफ्टर अ पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद लेवल अचीव्ड बाय आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि हम दवा को एक बार क्या दे रहे हैं, आईवी इंट्रावीनस दिया, उसकी आईवी देने पर कितना लेवल आया, ठीक है, फिर कंपेयर करा लेंगे किसी और रूट से हमने जब दवा दी तो उसने कितना लेवल पहुंचा कहां प्लाज्मा के अंदर। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करवा लेते हैं। तो आओ देखो क्या कह रहा है, आफ्टर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन 100% ऑफ द ड्रग रैपिडली एंटर्स द सर्कुलेशन, 100% ड्रग पूरी की पूरी सर्कुलेशन में एंटर कर जाती है रैपिडली तुरंत। व्हेन द ड्रग इज गिवन ओरली, अगर हम उसको ओरली दें मुंह से खिलाएं, ओनली पार्ट ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज अपीयर्स इन द प्लाज्मा, उसका कुछ हिस्सा ही, जैसे अभी हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल 100 mg दी तो केवल 70 mg ब्लड प्लाज्मा में आई, पूरी पूरी 100 mg नहीं आई, ठीक है। बाय प्लॉटिंग, अब हम लोग करते हैं एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा ये सब चीजें लैब में होती हैं, ये नहीं कि किसी बॉडी में दे तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, किसी इंसान के अंदर थोड़ा देख लेंगे, इसको करने के तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ दवा दे दी, इंजेक्शन से दे दिया, ये दे दिया, अब ग्राफ बना रहे हैं, अरे किसका देख के ग्राफ बनाएंगे, लैब में पूरा तरीका होता है, सेटअप होता है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग वर्सेस टाइम। तो ये देखो जरा, यहाँ पर एक तरफ वाई एक्सिस पे हम लोग क्या रख लेते हैं, y एक्सिस पे हमारे पास क्या रहता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पे क्या रहता है, टाइम रहता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं एरिया अंडर द कर्व, द एरिया अंडर द कर्व कैन बी मेजर्ड। अब देखो एरिया अंडर द कर्व क्या है, यानी कि वो एरिया अंडर द कर्व कहीं ना कहीं उसकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कितना ड्रग जाकर प्लाज्मा में चला गया। तो हमने जब आईवी दिया तो उसका एरिया अंडर द कर्व ये है, यानी कि एरिया अंडर द कर्व मतलब ये कर्व मेरा कुछ ऐसा गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर डाउन 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 डाउन, और इतने टाइम में पूरा खत्म हो गया। तो ये जो एरिया है, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। फिर क्या दिया हमने, ये इंजेक्शन दिया, फिर हमने टैबलेट दी, टैबलेट बड़ा 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 पीक यहीं तक, इससे ज्यादा प्लाज्मा में इसका लेवल नहीं आया, बट टाइम इसने उतना ही लिया लो होते होते, तो एक इसका कर्व ये आ जाएगा, इसका कर्व ये है, तो देख रहे हो इसका एरिया छोटा हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी सीधा सा क्या कॉन्सेप्ट है, ओरल दिया और आईवी दिया, ठीक है ना, हम कह सकते हैं ओरल में कम पहुंचा होगा, आईवी में 100% पहुंचा होगा, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं तो क्या मिल जाता है,
बायो अवेलेबिलिटी, ये क्वेश्चन तुम्हारा वन मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है। बात समझ में आई? अब देखो बायो अवेलेबिलिटी के टर्म में अगर हम कुछ और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो समझो जरा इस बात को। एक और वैरायटी है क्वेश्चन की, यहां पर हमने तीन ड्रग्स दिए हैं ए बी और सी, ठीक है ना। तो जरा यहां पे देखो क्या है, इस कर्व से मतलब समझना क्या है। एक तो हमने ये तो बात समझ ली, एरिया अंडर द कर्व काउंट करके कर दें, तो एरिया अंडर द कर्व आखिरकार बता क्या रहा है, एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है। तो क्या कह रहा है, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन टाइम कर्व डिपेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, ये क्या बता रहा है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बता रहा है डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री फॉर्मुलेशन ऑफ अ ड्रग कंटेनिंग द सेम अमाउंट। तीन तरह के ड्रग है, उनके अमाउंट सेम है, 100 mg, 100 mg, 100 mg, ठीक है ना, अमाउंट सेम है। एक हमने दिया ए वाला, नोट दैट फॉर्मुलेशन बी इज मोर स्लोली एब्जॉर्ब। अब देखो जरा यहां गौर से देखो, बी का पीक कब आया, बी का पीक यहां आया, ए का पीक यहां आया और सी का पीक यहां आया। तो देखो सी का टाइम बहुत कम लगा, बहुत जल्दी पीक पे आ गया, ये मतलब बॉडी के अंदर जाकर तुरंत एकदम खुल गया जाकर के और तुरंत बॉडी में पीक ले आया। लेकिन जो ए वाला था वो थोड़ा सा आगे गया, इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगा और फिर ये पीक पे आया। लेकिन जो इसका कंसंट्रेशन था प्लाज्मा में वो काफी ज्यादा है, या फिर यूं कह सकते हैं जब तक इतना मिनिमम कंसंट्रेशन नहीं होगा दवा का असर नहीं होगा। तो थेरोपेटिक कंसंट्रेशन जो एक मिनिमम चाहिए हमें, उसके ऊपर ही दवा अपना असर दिखाती है, उसके ऊपर दवा अपना असर नहीं दिखाएगी। तो ए तो अपना असर दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर यहां पे दो चीजें क्लियर हो रही हैं, कौन कितनी जल्दी प्लाज्मा में जाके अपने आप को पीक पे लेके जाता है, कौन जल्दी प्लाज्मा में जाके घुल जाएगा, यानी कौन जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है ये, नो डेट फॉर्मुलेशन बी इज मोर स्लोली एब्जॉर्ब, है ना, काफी धीमा एब्जॉर्ब हुआ तब कहीं जाकर के इसका पीक आया, काफी देर के बाद इसका पीक आया, इसलिए कहा धीमा एब्जॉर्ब हुआ। देन ए, एंड दो अल्टीमेटली बोथ आर एब्जॉर्ब टू द सेम एक्सटेंट। तो यानी कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमें क्या बताता है, एक्सटेंट बताता है, हद बताता है कि कितना किस हद तक वो दवा एब्जॉर्ब हुई। यानी कि अगर मैं बात करूं इस ए के अंदर का ग्राफ निकाल लूं, किसका ग्राफ निकाल लूं, ए के अंदर का कर्व निकालूं, चलो इस कलर से निकाल लें, लाल ले लेते हैं, ए के अंदर का कर्व ये रहा, ठीक है, और बी के अंदर का कर्व चलो हरा कर लें, ये रहा बी के अंदर का कर्व, ये बात समझ में आ रही ना, बी के अंदर का कर्व ये वाला है, ए के अंदर का कर्व ये वाला है, यानी कि दोनों के कर्व का अगर मैं एरिया निकाल लूं, एरिया अंडर द कर्व, तो वो क्या आएंगे, ए के अंदर का कर्व और बी के अंदर कर्व का एरिया सेम आएगा। यानी कि अमाउंट हमने 100 एमजी खाई अगर दोनों की, दोनों की दोनों 70-70 एमजी या 80-80 एमजी तक ब्लड में जाके डिजोल्व हो गई है। बट लेकिन ठीक है, ये हो गया एरिया अंडर द कर्व। एक्सटेंट क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व हमको क्या बताएगा, जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें बताता है किस हद तक एक्सटेंट ऑफ ड्रग, किस हद तक ड्रग क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, किस हद तक ड्रग एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। बी मे नॉट बी प्रोड्यूस थेरापेटिक इफेक्ट, ठीक है, जितनी ए एब्जॉर्ब हुई है उतनी बी एब्जॉर्ब हुई है, बट बी थेरापेटिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा क्योंकि ये उतना हाई कंसेंट्रेशन प्लाज्मा में नहीं पहुंच पाया जितना कि पहुंचना चाहिए था, ठीक है, आफ्टर ए सिंगल डोज। हाउएवर एवरेज ब्लड लेवल मे बी सिमिलर विद ए एंड बी। हम कुछ घंटे के बाद, अगर कुछ घंटे के बाद तो दोनों को चेक करेंगे बारी बारी से कि ब्लड में आखिरकार टोटल कंसेंट्रेशन किसका ज्यादा था, तो ए भी ब्लड में उतना ही मिलेगा, बी भी ब्लड में उतना ही मिलेगा, होगी गड़बड़ जब दोनों की मात्रा सेम है, बट ए अपना इफेक्ट दिखा रहा है, बी अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, बात समझ में आ रही ना, ये दवाइयों का खेल सारा क्या है। तो देखो दवा तो खाई 500 mg, ये भी खाई 500 mg, ये भी खाई, एक दवा ने असर किया, एक दवा ने असर नहीं किया, खेल समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या है, एक खास कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन के ऊपर पहुंचना है किसी दवा को ब्लड के अंदर जा करके, ठीक है ना। ओके आगे आते हैं, हाउएवर एवरेज ब्लड लेवल में भी सिमिलर विद बोथ ए एंड बी। जो ब्लड का लेवल होता है दोनों में, अगर बारी से चेक किया जाएगा कि एक ब्लड का लिया जाएगा, ठीक है ना, आफ्टर पूरा ये एरिया निकाल करके, यानी कि ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर मात्रा कितनी थी टोटल, वो सेम आ गई 70 mg 70 mg, लेकिन कंसंट्रेशन किसका ज्यादा पहुंचा, ए का, ठीक है ना। आगे आते हैं, ओके,
When repeated doses are given, C is absorbed to a lesser extent, resulting in lower bioavailability. C जो absorb हुआ है वो काफी कम absorb हुआ है ना, केवल इतना ही area under the curve. काफी कम absorb हुआ, तो इसका तो कोई role ही नहीं है. लेकिन अब बहुत जल्दी हो गया ये, इसका जो पीक है वो बहुत जल्दी आ गया. यानी कि ये बहुत जल्दी, अगर ये थोड़ा सा ऊपर निकल जाता तो इफेक्ट बहुत जल्दी दिखा देता. अब सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये बी वाला थोड़ा यहां पहुंच जाता है ना, बी वाला, तो बी वाले को अपना असर दिखाने में इतना टाइम लगता, ठीक है ना, ए वाले को इतना टाइम लगेगा, और अगर सी वाला यहां पहुंच जाता ऊपर थोड़ा सा तो सी वाले को इतना टाइम लगता. यानी कि सारे के सारे कर्व अगर इस वाली लाइन से ऊपर पहुंच जाते तो सबसे तेज असर कौन करता? सी वाला, है ना, फिर ए वाला और फिर बी वाला. बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके. तो ये कर्व के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. यहां नहीं आएंगे तो एग्जिट एग्जाम में आ सकते हैं. तो ये कर्व का तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए. आगे आते हैं. फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस बायोअवेलेबिलिटी, ऐसे फैक्टर जो बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. तो कह रहा है ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग, जो ओरली मुंह से दिए जाते हैं ड्रग, अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हम बता चुके हैं, इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. दिस बायो ट्रांसफॉर्मेशन अलॉन्ग विद फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स डिटरमाइन द, ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है जब ड्रग पेट के थ्रू गया तो लिवर ने उसके ऊपर कुछ असर किया, उसको तोड़ा फोड़ा और कुछ बच गया, वो कहां पहुंच गया? सिस्टमिक सर्कुलेशन में. यही तो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. अब ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर हो चुका है और साथ में उसके कुछ फिजिकल सॉलिड है कैसा है, कुछ केमिकल किस टाइप का केमिकल है, कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक मिल करके डिटरमाइन करते हैं रेट एंड एक्सटेंट विच द एजेंट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ये तीन चीजें, ठीक है ना, कौन कौन हो गया, उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म प्लस ड्रग की फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम दवा खा रहे हैं उसकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीन चीजें मिल करके उसका डिसाइड करते हैं बायो अवेलेबिलिटी. तो बात कर लेते हैं पहले फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म. तो इसको तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जनरल फार्माकोलॉजी का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, तो वही सारी बातें यहां लिखी हुई हैं, ठीक है, रीड कर लेते हैं एक बारी. व्हेन अ ड्रग इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इट एंटर्स द पोर्टल सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल बोला जाता है, अच्छे से पता होगा अब तो अगर लेक्चर मेरा देख लिया है तो. एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन इनके ब्लड में आ गया है. इफ द ड्रग इज रैपिडली मेटाबोलाइज इन द लिवर, अगर वो बहुत तेजी से लिवर में मेटाबोलाइज हो रहा है, उसका रूपरेखा बदल रही है, अगर है ना रिएक्शन हो जा रही है, और गटवाल का भी हमने जिक्र किया था, ड्यूरिंग दिस इनिशियल पैसेज, जो उसका इनिशियल शुरुआती रास्ता था, द अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज डिक्रीज. अब वो है ना, क्या कर दिया लिवर ने और गटवाल ने, बहुत ज्यादा उसके अंदर चेंजेस ला दिए. तो 100 mg खाई थी, बहुत ही कम मात्रा की अमाउंट कहां पहुंचेगी? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में. यानी कि जो अनचेंज ड्रग हम चाहते थे ब्लड में पहुंच जाए, वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. जिसका जितना ज्यादा फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, जिसको हम प्री सिस्टमेटिक एलिमिनेशन भी कहते हैं, उतना ही उसका क्या हो जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में उसकी कंसेंट्रेशन या मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है. दिस इज रेफर टू एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. चाहे यहां से लिख लो इसको, चाहे जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया वहां से कर लो इसको. फिलहाल तो इतना यहां पे देने के लिए इतना काफी, अगर पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत हलवा लग रहा होगा. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय द इंटेस्टाइन और लिवर लिमिट्स द एफिकेसी ऑफ मेनी ओरल मेडिकेशन. अब जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है इंटेस्टाइन या लिवर के द्वारा, बहुत सी दवाओं की क्षमताओं को ना लिमिट कर देती है ना. क्यों कर देती है लिमिट? जानी चाहिए थी जितनी, उतनी नहीं पहुंच पा रही है, या हम उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ 100 mg में अब इतना पहुंचना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी कुछ ज्यादा ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कर दे रही है, तो उतना इफेक्ट उस पर नहीं जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां देखो, मोर देन 90% ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज क्लियर ड्यूरिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. लो 100 mg देखो तो मात्र 10 g ही हमारे ब्लड में पहुंचेगी. तो यही वजह है, देखो यहां से अब क्या डिसाइड हुआ, इट इज प्राइमरीली एडमिनिस्टर्ड बाय द सबलिंगुअल और ट्रांसडर्मल इंट्रावेनस रूट. यानी कि हम इसके ऐसी डोजेस फॉर्म बनाएंगे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से इसको गुजरना ही ना पड़े. तो अब बात समझ में आ रहा है क्यों कोई दवा सबलिंगुअल बनाई जा रही है ना. सबलिंगुअल वाली क्या होता है, उसके ऊपर लिखा होता है माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट, सुना है कभी? एमडी लिखा था कई दवाओं पे, माउथ डिजॉल्विंग, जो मुंह में घुल जाती हैं, वो इसीलिए ही बनाई गई है क्योंकि वो दवा जब पेट में जाती है ना, तो होता क्या 90% तक क्या हो जा रहा है,
खराब होगी, केवल 10% पहुंच रही है हमारे खून में। अब तुम चाहते हो अगर इसकी कितनी 100 mg खून में पहुंचे, अब इमेजिन करो तुम चाहते हो नाइट्रोग्लिसरीन मुंह से खाएं और 100 mg पहुंचे, तो तुम्हें कितना बनाना पड़ेगा? ये तुम्हें कम से कम 1000 mg की बनानी पड़ेगी। कितने की बनानी पड़ेगी? 1000 mg की, क्योंकि 100 mg में से केवल 10 पहुंचता है, तो 10 का गुना कर दो तो कितना हो गया। जब 1000 mg की बनाओगे तो इसमें से 100 mg कहाँ पहुंच जाएगी? खून में। और 900 mg क्या हो जाएगी? लीवर उसको बर्बाद कर देगा। अच्छा, इसका एक और साइड इफेक्ट है, अब लीवर इतना दवा को खराब करा, दो नुकसान हुए। एक तो दवा भी वेस्ट हो रही है, प्लस लीवर को काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लीवर के ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। खैर, तो बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, किस तरह से दवाई का डोजेस फॉर्म का अमाउंट कम ज़्यादा करना पड़ रहा है या हो जाता है, या उसका रूट बदल दिया जाता है बायो अवेलेबिलिटी को देखते हुए। तो बायो अवेलेबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये क्वेश्चन मान के चलो तुम्हारे एग्जाम में है, दोनों एग्जाम में है, इवन तुम्हारे इंटरनल एग्जाम में भी आ रहा है ये बायो अवेलेबिलिटी। क्लियर है? तो अच्छे से करना इसको। नेक्स्ट आते हैं ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शुड बी गिवन इन सच डोजेज। ठीक है ना, जिसका हाई है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि बहुत ज्यादा लिवर उनको मेटाबोलाइज कर दे रहा है, उनकी जो डोज होती है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रग रिच, ठीक है, शुड बी गिवन इन सच डोजेस। तो ऐसे ड्रग्स को हमें उतनी डोज में देना होता है, यानी कि अब जाहिर सी बात है वो, जैसे मान लो नाइट्रोग्लिसरीन को जो हमने पीछे देखा उसको ओरली देना होता तो क्या करते, 1000 mg बनानी पड़ती है ना, तो वही कह रहा है। तो उसको उतना सफिशिएंट अमाउंट में ड्रग को देना पड़ेगा जिससे कि वो साइट ऑफ एक्शन पे जितना अमाउंट हम चाहते हैं उतना पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोप्रानोलॉल वेन गिवन बाय आईवी रूट रिक्वायर मच स्मॉल डोज कंपेयर टू द ओरल डोज। तो वही बात कह रहा है, तुम प्रोप्रानोलॉल का गूगल पे जाकर चेक करना, इसका आईवी फॉर्मुलेशन और इसका ओरल फॉर्मुलेशन। तो जो ओरल फॉर्मुलेशन होगा ना उसमें दवा की मात्रा ज्यादा मिलेगी, हो सकता है 100 mg 200 mg, मुझे भी नहीं पता अभी इसका कितना है, और आईवी में जब दिया जाता है तो वो मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि हमको देनी कितनी है, मान लो सपोज लेट मान लेते हैं कि प्रोप्रानोलॉल हमारे खून में 10 mg पहुंचनी चाहिए, ठीक है, बट इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई है, तो जब आईवी देंगे तो कितना हो जाएगा वो 10 mg के हिसाब से, थोड़ा सा इंजेक्शन घुसा दिया हो गया काम, लेकिन टैबलेट भारी बनेगी है ना, 500 mg की 600 mg की, जिस हिसाब से वो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था नाइट्रोग्लिसरीन में। क्लियर है? ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या रहा है? अच्छा, ये पिछला इससे लास्ट वाला लेक्चर देख लेना मेरा, एब्जॉर्प्शन वाला, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया था सेल के दो परतें होती हैं, लायोफिलिक लायोफोबिक है ना, किस तरह से क्या हो रहा है, अगर वो माइंड में होगा तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कह रहा है वेरी हाइड्रोफिलिक ड्रग आर पुअरली एब्जॉर्ब, हमको पता है ना ये ऊपर की दो लेयर कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, बीच में क्या होता है फैटी पार्ट होता है लिपिड वाला, तो ड्रग जितना ज्यादा, ये हमने पीछे पढ़ा भी था, ड्रग को क्या होना चाहिए ज्यादा ज्यादा लाइपो सॉरी लाइपोफिलिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए लाइपोफिलिक, लिपिड के अंदर सॉल्युबल होना चाहिए, तो अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं है वो कैसा है, पानी के अंदर सॉल्युबल होगा ज्यादा ज्यादा हाइड्रोफिलिक होगा। ड्रग्स आर पुअरली एब्जॉर्ब, जो ड्रग हाइड्रोफिलिक है पानी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं या पानी में घुलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ऐसे पुअरली एब्जॉर्ब होंगे बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू क्रॉस लिपिड रिच सेल मेम्ब्रेन। सेल के ऊपर ये क्या होता है, बीच में लिपिड भरा होता है, उसके अंदर घुलेगा ही नहीं तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। पैराडॉक्सिकली, तो क्या हम ड्रग को पूरी तरीके से वो बना दें, लिपिड का बना दें, फैटी बना दें, ये भी नहीं हो पाएगा। कह रहा है पैराडॉक्सली, मतलब विडंबना ये है, इसका विरोधाभास ये है, ड्रग्स दैट आर एक्सट्रीमली लाइपोफिलिक, अगर तुम उसे पूरी तरीके से लाइपोफिलिक बनाते हो तो भी एब्जॉर्ब नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? देखो बड़ा अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट आने वाला है अभी, तो भी वो क्या है, एब्जॉर्ब नहीं होगी बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस बॉडी फ्लूइड। अब जो इसके आसपास लिक्विड भरा है, पानी है, इसमें डिजॉल्व नहीं होगी, जब इसमें डिजॉल्व नहीं होगी तो इसमें डिजॉल्व नहीं होगी ना, तो क्रॉस करना है ना उसको, तो पानी में भी डिजॉल्व होना जरूरी है, तो ये जो एक्वस फ्लूइड है उसमें आसपास सेल के आसपास उसमें वो डिजॉल्व नहीं होगी तो वहां पर समस्या खड़ी हो जाएगी। एंड देयरफॉर फॉर अ ड्रग टू बी रेडिली एब्जॉर्ब, इसीलिए अगर चाहते हो कि ड्रग तुरंत रेडिली तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए, इट मस्ट बी, इसको जरूर 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 लार्जली लाइपोफिलिक, उसका ज्यादातर पार्ट लाइपोफिलिक होना चाहिए, येट हैव सम सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, उसके बाद भी, मतलब उसको क्या होना, रेशो की बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में, उसका ज्यादातर पार्ट तो लाइपोफिलिक रखो लेकिन कुछ पार्ट उसका
हाइड्रोफिलिक भी रखना पड़ेगा। दिस इज वन रीजन व्हाई मेनी ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड एंड वीक बेस। यही कारण है ज्यादातर हम लोग क्या रखते हैं इनको, वीक बेस या वीक एसिड के फॉर्म में ड्रग्स हमारे बनते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिमाग में रखेंगे इसको, ठीक है। अगर वायु वगैरह, जो वायु वगैरह होता है तुम लोगों का, अगर वो कायदे से होता है तो टीचर बकायदा ये सवाल तुम लोगों से पूछ सकता है, ठीक है ना। केमिकल इनस्टेबिलिटी, कुछ ड्रग्स होते हैं पेट में जाके एसिड के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। सम ड्रग्स सच एज पेंसिलिन जी आर अनस्टेबल इन द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, है ना। अदर सच एज इंसुलिन आर डिस्ट्रॉयड इन द जीआई ट्रैक्ट बाय डिग्रेडेटिव एंजाइम। जो इंसुलिन है उसको पेट के एंजाइम खराब कर देते हैं, जो पेंसिलिन है उसको पेट का पीएच खराब कर देता है, तो ये भी बड़ी समस्या है। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है हम इनको ओरल तो देंगे नहीं, इसीलिए इंसुलिन हमेशा क्या लगता है, इंजेक्शन। इंसुलिन की टैबलेट देखी कभी नहीं देखी होगी, ठीक है। इंसुलिन का हमेशा इंजेक्शन आता है इसी वजह से, पेंसिलिन का हमेशा इंजेक्शन आता है इसीलिए, ठीक है। तो ये सब चीजें दिमाग में आ रही होंगी, अच्छा क्यों किसी की सिर्फ इंजेक्शन ही आते हैं, क्यों किसी की टैबलेट आती है, तो ये सब चीजें भी मैटर कर जाती हैं। और लास्ट में भी हम एक जो पॉइंट है सीखेंगे, क्यों जेनरिक दवाइयों को लोग बदनाम कर देते हैं, क्यों कुछ डॉक्टर कहते हैं कि नहीं यही ब्रांड इस्तेमाल करना, दूसरा ब्रांड इस्तेमाल मत करना, ठीक है। वो सब अभी बातें आने वाली हैं, आगे आते हैं। नेचर ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन, ड्रग का फॉर्मुलेशन का नेचर क्या है। जैसे कि ड्रग एब्जॉर्प्शन मे बी अल्टर्ड बाय फैक्टर अनरिलेटेड टू द केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग। ड्रग की केमिस्ट्री से कई बार कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ड्रग बना किस बेस पे, कैसे बना है, उसका बड़ा फर्क पड़ जाता है। समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ से समझ में आएगा, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज क्या है, साल्ट की फॉर्म क्या है, क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसका, एंटरिक कोटिंग डिस्कस किया था हमने, एंटरिक कोटेड टैबलेट क्या होता है, उसके ऊपर एक परत होती है जो पेट के पेट में उसको डिजोल्व होने नहीं देगा, एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्सीपिएंट, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीजें, अच्छा ये लाइन यहाँ नहीं होनी, ये हटा देते हैं यहाँ से, ये गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ एक्सीपिएंट सच एस, ये लाइन यहाँ पर जुड़ेगी, बाइंडर्स एंड डिस्पर्जिंग एजेंट, है ना। जो एक्सीपिएंट्स होते हैं जो हम उसमें डालते हैं कि पाउडर बन जाए और डिस्पर्जिंग एजेंट घुल जाए या डिस्पर्स हो जाए, कैन इन्फ्लुएंस द ईज ऑफ डिसोल्यूशन, ये दवा के डिसोल्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक लाइन निकल के आएगी, एंड देयरफॉर ऑल्टर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कई बार क्या होता है, एक कंपनी जो एक्सीपिएंट इस्तेमाल कर रही है उसका एक्सीपिएंट अच्छा है, खाओ दवा अच्छे से डिजॉल्व होती है, एब्जॉर्ब होती है, लेकिन वहीं पे एक दूसरी जेनरिक ब्रांड वाली कंपनी है वो एक्सीपिएंट थोड़ा सा लो कैटेगरी का इस्तेमाल कर रही है। दवा जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन केमिकल कंपाउंड है, वो तो सेम है, उतना ही है, लेकिन जो दूसरा एक्सीपिएंट उसने इस्तेमाल किया वो थोड़ा सा लो कैटेगरी का इस्तेमाल किया। अब हुआ क्या, उस एक्सीपिएंट्स ने जो लो वाला था दवा या टैबलेट को घुलने नहीं दिया, या दवा को घुलने नहीं दिया, तो वो वाले जो है उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा, और ये दवा बहुत अच्छे से उस लेवल पे और जल्दी पहुंच जाएगा। तो हुआ ना अंतर, ठीक है। तो केमिकली दोनों सेम होते हैं, जो इंग्रेडिएंट वाइज, मेन इंग्रेडिएंट जो उसमें एडिशनल चीजें डाली जाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीपिएंट्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीपिएंट्स। ये अंतर आ जाता है पेटेंट ड्रग में और जेनरिक ड्रग में। बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से, ओके। अब क्या कह रहा है, समटाइम्स, अच्छा ये तो चलो कंपनी की बात हो गई, कई बार पेशेंट भी खुरापाते होते हैं, आप और हम लोग, ठीक है। जो घर में बड़े बूढ़े होते हैं, हमें ऐसे नहीं खाने, हमें तोड़ के खानी है। बच्चों को दवा दी गई, वह कहते हैं कि टैबलेट खा लो, कैप्सूल खा लो, कैप्सूल बच्चा निकल नहीं पा रहा है, माँ बाप ने होशियारी दिखाई, कैप्सूल खोला, पाउडर बनाया, चीनी घोली, पिला दिए बच्चे को, ठीक है। तो मैंने कहा कई बार पेशेंट भी होशियारी करते हैं, और ये होशियारी उनके लिए खतरनाक हो जाती है। कैसे खतरनाक होती है आप देखते हैं, समटाइम पेशेंट तोड़ देगा, दवाई तोड़ देगा। अब तुम लोगों से तोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, आओ देखें, चूरा चूरा कर देगा टैबलेट को, कैप्सूल खोल देता है लेने से पहले, उसके पाउडर को लेके घोलेगा, ठीक है। विच ऑल्टर इट्स एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉलो, किस तरीके से ये तुमने हरकतें करी हैं पेशेंट ने, किस तरीके से दवाइयों की एब्जॉर्प्शन वाले कैरेक्टर है उनके ऊपर फर्क पड़ता है, आओ देखते हैं। क्रशिंग और ओपनिंग एंटरिक कोटेड टैबलेट, अब टैबलेट कैसी थी, एंटरिक कोटेड, जो पेट में जाके घुलना नहीं था, तुमने उसे तोड़ लिया। हम तो आज ही खाएंगे, हम तो चूरा करके खाएंगे, लो खाओ चूरा करके, उसकी कोटिंग खराब हो गई है, वो पेट में जाके घुलेगी, पेट में या तो जलन कर देगी या पेट का एसिड इसके अंदर जो कंटेंट है उसे बर्बाद कर देगा काफी ज्यादा मात्रा में। दवा तुम्हारे पर असर नहीं करेगी, तुम कहोगे डॉक्टर ने दवा दी, हमारे ऊपर तो असर करी नहीं, ठीक है ना। वही दवा डॉक्टर साहब पहले खा रहे थे, बढ़िया असर कर रही थी, इस बार मौज मौज में हमने पीस ली तो असर नहीं करी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्रशिंग और ओपनिंग ऑफ एंटरिक कोटेड, अब देखो बच्चों, जिसको एंटरिक कोटेड ही समझ में नहीं आ रहा होगा जो मैंने पहले लेक्चर में समझाया है, वो गया काम से फिर, ठीक है।
रिजल्ट इन द ड्रग टू रिलीज टू अर्ली. अब ड्रग बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, पेट में हो जाएगा, होना कहाँ चाहिए था, इंटेस्टाइन में, इन द स्टमक एंड डिस्ट्रॉय बाय द स्टमक एसिड. जो स्टमक एसिड होगा वो उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और मैं इरिटेट और इरिटेट कर सकता है स्टमक के म्यूकोसा को. क्लियर है, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं. आगे आते हैं, अ सुगर अब्लिक फिल्म कोटेड डोजेस फॉर्म. कई बार ना सुगर की कोटिंग की जाती है ताकि दवा कड़वी ना लगे. ठीक है, डोजेस फॉर्म इज ऑफन यूज टू हेल्प मास्क द अनप्लीजेंट और बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग. फॉर एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन, क्विनिन, सेफिरोक्सिम, ऑक्सिटिल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब बड़ी कड़वी दवाइयाँ होती हैं, तो इसके ऊपर हम लोग सुगर की कोटिंग चढ़ा देते हैं. अच्छा क्या होगा, कोटिंग नहीं चढ़ाएंगे, मान लो दवा खाई कड़वा लग गया. अब कड़वा लग गया, दवा तो गई पेट में, 5-10 मिनट बाद कड़वा लगा और हो गई उल्टी, कुछ घुल पाई दवा, कुछ नहीं घुल पाएगी, उल्टी से सब बाहर. अब डर लगेगा दूसरी टेबलेट खाएं कि ना खाएं. ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं. कोटिंग कैन ऑल्सो बी एडेड टू फोटो सेंसिटिव ड्रग. कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, हम लोग ना दवाइयों का बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और तोड़ के या बाहर निकाल के ऐसे खाई. अच्छा थोड़ी देर पहले हम लोग दवा खोल ली, अच्छा कुछ काम आ गया, रख दी खोली हुई और चले गए काम करने. दवाइयाँ फोटो सेंसिटिव भी होती हैं, यानी कि जो लाइट पड़ रही है उससे वो दवा खराब हो सकती है. तो हम लोग कई बार कोटिंग कर देते हैं कि अगर 2-4 मिनट दवा सीधी हवा में रखी भी है, सीधी लाइट पड़ भी रही है, तो वो खराब ना हो. और तुमने उसको चूरा चूरा कर दिया तो सोचो सीधी लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, यानी कि दवा पेट में जाने से पहले ही उसके काफी सारे केमिकल बर्बाद हो जाएंगे. कोटिंग कैन ऑल्सो बी एडेड टू फोटो सेंसिटिव ड्रग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लाइट. फॉर एग्जाम्पल निफेडिपिन. ठीक है, दूसरा क्रशिंग एंड एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन. एक एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन है कि दवा खाइए, थोड़ी 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 उसमें से निकलेगी सुबह से लेकर शाम तक. एक्सटेंडेड रिलीज को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना, हर घंटे में इतनी दवा निकलनी चाहिए जिससे कि दवा की मात्रा एकदम नहीं चाहिए हमारे शरीर में. लेकिन तुमने उसको क्या कर दिया, चूरा बना लिया, अब तो सारी एक साथ निकल जाएगी. ठीक है, रिलीज प्रिपरेशन में ऑल्सो चेंज द ड्रग रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिजल्ट इन रिलीजिंग अनइंटेंडेड. जो हम नहीं चाहते, हम चाहते थे दवा थोड़ी थोड़ी निकले, डॉक्टर ने तो उसी हिसाब से दी थी, तुमने चूरा बना लिया, तो जो हम नहीं चाहते थे लार्ज बोलस ऑफ अ ड्रग, ड्रग का एकदम बड़ा सा वो निकल आएगा बोलस, मतलब पूरी दवा एक साथ अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगी, जो कि तुम्हें साइड इफेक्ट भी दे सकता है. ठीक है, बात समझ में आ रही है. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रशिंग नॉट ओनली वुड लीड टू ओवरडोजिंग. अच्छा जब एक साथ दवा पूरी आ गई, एक्सटेंडेड रिलीज था, थोड़ी थोड़ी दवा आनी चाहिए थी, लेकिन एक साथ आ गई पूरी बॉडी में, तो एक तो क्या हुआ, ओवरडोज हुआ. ओवरडोज के साथ साथ क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी उसके हो सकते हैं, खतरा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंडेड रिलीज निफेडिपिन, जो निफेडिपिन बनती है वो एक्सटेंडेड रिलीज के तौर पर बनती है कि थोड़ा थोड़ा ड्रग निकलता रहेगा, लेकिन तुमने अगर चूरा करके खाया उसे, ठीक है ना, तो पूरा एक साथ निकल आएगा. और इसका निफेडिपिन काम क्या करता है, बीपी को लो करता है, ये एकदम से इतना लो कर देगा कि तुम जाओगे अरे डॉक्टर साहब हम तो गिर पड़े, बीपी लो हो गया हमारा. ठीक है, तुमने कैसी दवा दे दी, डॉक्टर ने कहा था भैया हमने चूरा करके थोड़ा कहा था तुम्हें, तुमने चूरा करके खा लिया इसे. तो कई बार इसीलिए ये सब चीज़ें हिदायत दी जाती हैं, लोग खुद से डॉक्टर बनते हैं, ये गलत चीज़ है, दवाइयों में बड़ा सावधानी बरती जाती है. अब ये थोड़ा सा अच्छी बात है कि दवाइयों के मतलब इंसिडेंस अगर तुम ऑल ओवर वर्ल्ड देखोगे तो बहुत सारे इंसिडेंस होते हैं तुम्हारे आसपास, को कितने हुए हैं ये तो मुझे नहीं पता. बक्का और सबलिंगुअल प्रिपरेशन, जिसको डॉक्टर ने कहा कि जीपी नीचे रख के खानी है, तुमने कहा कौन जीपी नीचे रखे, हम सीधा निकल जा रहे हैं. भाई जो बक्का और सबलिंगुअल प्रिपरेशन है, ये मत पूछना सर बक्का सबलिंगुअल क्या है, पढ़ा चुका हूं पहले मैं. शुड ऑल्सो नॉट बी अल्टर्ड, इसको भी नहीं बदलना है. क्यों, दिस मेडिकेशन आर ऑल्सो नॉट डिजाइंड फॉर एब्जॉर्प्शन इन द जीआई. पेट में जाएंगे तो पेट का एसिड इन दवाइयों की प्रिपरेशन को बर्बाद कर देगा. दिस में रिजल्ट इन रिड्यूस ड्रग एब्जॉर्प्शन, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा एंड लैक ऑफ एफिकेसी, उसकी उतनी क्षमता नहीं आएगी. बात समझ में आ रही है. तो किस तरीके से क्या हुआ था यहाँ पर, पेशेंट की हरकतों से देख रहे हो क्या क्या इफेक्ट आ गया ये, तो ये सारी चीजें बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट डालते हैं. आगे आते हैं क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ एक्सीपिएंट. एक्सीपिएंट पता है ना क्या क्या होता है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, दवा मात्र 5 mg देनी है, वो 5 mg इतनी सी दवा हो रही है, वो टैबलेट बनाते बन नहीं पा रहा, तो हम उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल देते हैं कि वो थोड़ी सी बड़ी टैबलेट बन जाए, टैबलेट जैसी लगे, है ना, बल्क प्रोवाइड करवा देता है. कई बार हम उसके अंदर क्या डालते हैं, स्वीटनेस के लिए कुछ डाल देंगे. तो क्या कह रहा है, एक्सीपिएंट्स आर इंक्लूडेड इन डोजेस फॉर्म. एक्सीपिएंट डाले जाते हैं डोजेस फॉर्म में टू एड, एड मतलब हेल्प करना, सहायक होते हैं मैन्युफैक्चर में. फॉर एग्जाम्पल एड बल्क टू द एक्टिव ड्रग, जो एक्टिव ड्रग है मेन ड्रग है उसमें बल्क, मैंने कहा ना बहुत छोटा ड्रग मतलब ड्रग का बन नहीं सकता था, डाल दिया तो अब इतनी मोटी टैबलेट बन गई. अब टैबलेट देखते हुए दिख रही है कि हाँ टैबलेट है, ड्रग तो केवल इतनी सी थी छोटी सी, हम इसके अंदर थोड़ा सा और डाल देते हैं ये एक्सीपिएंट, तो अभी थोड़ा सा क्या होगा, टैबलेट का रूप ले लेती है. ठीक है,
और टू मास्क और लेसन द अनप्लीजेंट टेस्ट, कई बार हम उसमें मैंने कहा ना सूगरी सिरप में मीठी चीज डाल दे जिससे कि वो टेस्ट में मीठी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज एंड कैल्शियम लैक्टेट स्टार्च ये डाला जाता है मीठेपन के लिए, और मॉड्यूलेट एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। ठीक है तो क्या हो गया, एक्सिपिट आर इंक्लूडेड इन डोजेज फॉर्म टू एड मैन्युफैक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन और मॉड्यूलेट एब्जॉर्प्शन, या फिर तीन चीजों के लिए एक्सिपिएंट के तीन काम होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, जैसे मैंने बताया टू एड बल्क, दवा थोड़ी थी और ज्यादा मिला दिया, उससे क्या हो दवा थोड़ी सी अब ज्यादा हो गया तो उसको दवा को बांध के रखना आसान हो गया। टू एडमिनिस्ट्रेशन, खाने में आसानी हो जाए, कैसे, कड़वी थी मीठापन डाल दिया खाने में आसानी होगी। और टू मॉड्यूलेट एब्जॉर्प्शन, कई बार कुछ एक्सिपिएंट ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है उस पर क्या होता है बढ़ा दिया जाता है या थोड़ा सा कम कर दिया जाता है वो एक्सिपिएंट मिलाने से। ये तो होगी बात है कि आखिर एक्सिपिएंट होते क्या, क्या काम करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, मोस्ट एक्सिपिएंट हैव नो डायरेक्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ज्यादातर का कोई भी डायरेक्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता, यानी कि हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। दे आर फार्माकोलॉजिकली इनर्ट, इनर्ट मतलब पड़े हुए हैं, बॉडी में गए जाएंगे एक्सक्रीट हो जाएंगे या पॉटी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, इनर्ट थे, केवल दवाई को बांधे रखने के लिए टेस्ट देने के लिए इन सब चीजों में काम था उनका। हाउएवर, हालांकि इन सम केसेस, कुछ केसेस में फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट कैन अफेक्ट द केमिकल नेचर, कुछ केसेस में एक्सिपिएंट और ड्रग के बीच में केमिकल इंटरेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ड्रग का केमिकल नेचर, ड्रग जब बोलता हूं तो उसका तो मेन एक्टिव कंटेंट है जो हमको ठीक करता है उसकी बात करता हूं मैं, द स्टेबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, अल्टीमेटली उसकी बायोअवेलेबिलिटी पे क्या पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर थेरापेटिक एफिकेसी एंड सेफ्टी, और इसी वजह से उसकी थेरापेटिक एफिकेसी और सेफ्टी पर भी फर्क पड़ जाता है। देयरफॉर अब देखो मेन चीज आ गई, बायोअवेलेबिलिटी पे फर्क पड़ गया एक्सिपिएंट मिलाने से, एक्सिपिएंट हाई क्वालिटी के भी होते हैं थोड़े लो क्वालिटी के भी होते हैं। देयरफॉर स्विचिंग ऑफ ब्रांड्स ऑफ दीज मेडिकेशन, अगर तुमने ब्रांड बदला मे लीड टू चेंजेस इन द बायोअवेलेबिलिटी, अब ब्रांड बदलने से, देखो मैंने क्या कहा दो ब्रांड हैं, लेट एग्जांपल लेके समझते हैं, एक ए है एक बी है, इसके अंदर मान लो एक कोई मेडिसिन होनी चाहिए लेट ऑफ्लॉक्सासिन, इसके अंदर ऑफ्लॉक्सासिन कितना चाहिए 200 चाहिए, इसने भी कितनी डाली 200, ये पेटेंट है और ये जेनरिक है, ये जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ना ये सेम होता है दोनों में, पहले ही बता चुका हूं मैं। अब इसके अंदर जो एक्सीपिएंट थे वो तुम लोगों ने अलग अलग है, मान लो इसके अंदर 1, 2, 3 तीन टाइप के एक्सीपिएंट हैं, इसके अंदर ए बी सी तीन टाइप के, दोनों अलग अलग हैं, तो ये वाले एक्सीपिएंट के साथ तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है, लेकिन ये एक्सीपिएंट इस वाले जेनरिक की क्या कर दे रहे हैं, बायोअवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर दे रहे हैं, तो ये उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है, इसके बावजूद कि उसके पास भी 200 mg ही ऑफ्लॉक्सासिन है। ये बात समझ में आ रही है, यही अंतर होता है कई बार जो जेनेटिक और लोकल की बात कर देते हैं ना, डॉक्टर लोग कहते हैं अरे ये दवा इस्तेमाल नहीं करना है, खैर कुछ लोग दोनों चीज़ें हैं, कई बार तो कमीशन वाला चक्कर भी होता है और लेकिन कई बार डॉक्टर सही भी बताता है कि हाँ ये दवा ऐसी है ऐसी नहीं है, लेकिन पेशेंट के ऊपर फिर वो क्या करता है वो, ठीक है आगे आते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना अगर बीमारी गंभीर है तो सलाह के बिना दवाइयाँ जल्दी ना बदलें, ठीक है। एंड हैंस मे नीड टू डोज एडजस्टमेंट विद द चेंज इन ब्रांड, अगर ब्रांड चेंज करते हो तो डॉक्टर को पता होता है ये वाला ब्रांड ये है ये वाला ब्रांड ये है, ठीक है ना, किसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह से मशवरा से ही कभी कोई गंभीर बीमारी की दवा बदलते हो तो उनसे ही पूछ पाछ करें, खुद से ना करें। तो आप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया ना कि जेनरिक, जैसे लास्ट एक जो लेक्चर में जिसमें जेनरिक का डिस्कशन किया था, लास्ट वाला नहीं है, उसमें मैंने कहा था दोनों सेम होती हैं, कोई अंतर नहीं होता है, तो मन में क्यूरियोसिटी रही होगी आखिर ये भ्रम क्यों है, ये भ्रम यहां से दूर हुआ कि जेनरिक मेन कंटेंट सेम होता है लेकिन उसके बाद भी डिफरेंस होता है। आओ आगे चलते हैं अब, ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, ये पार्ट हमने पढ़ के खत्म कर लिया है। अब एक टॉपिक आता है बायो इक्विवेलेंस का एंड अदर टाइप ऑफ इक्विवेलेंस, कुछ बायो इक्विवेलेंस है और कुछ और टाइप के इक्विवेलेंस है, देख लें क्या है। टू ड्रग फॉर्मुलेशंस आर बायो इक्विवेलेंट, दो ड्रग फॉर्मुलेशन मान लो ए है और बी है, दो ड्रग्स हैं, दो टैबलेट मान लो, एक ए दूसरी ब्रांड की दूसरी ब्रांड की, इनको बायो इक्विवेलेंट कब कहा जाएगा, इफ दे शो कंपेरेबल बायोअवेलेबिलिटी, दोनों की बायोअवेलेबिलिटी सेम हो एंड सिमिलर टाइम टू अचीव पीक ब्लड कंसेंट्रेशन, और सेम टाइम में पीक ब्लड कंसेंट्रेशन आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, बायो इक्विवेलेंट कहेंगे, ठीक है ना। ब्लड में जो डिस्कस किया अभी हमने पीछे, जो कंसेंट्रेशन का पीक आता है वो सेम टाइम में आ जाए।
अब क्या कह रहा है, टू ड्रग फॉर्मुलेशन आर थेरापियोटिकली इक्विवेलेंट, यानी कि ठीक करने के मामले में भी बराबर है। कैसे, कब, इफ दे आर, यदि दे आर फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट, अगर वो थेरापियोटिकली इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, अगर वो फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट होंगे। फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट कब होते हैं, फार्मास्यूटिकल मतलब मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज दे हैव द सेम डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म सेम होगा, दोनों टैबलेट है वो भी टैबलेट होगी, कंटेन द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसके अंदर जैसे ऑफ्लोक्सासिन उसके अंदर भी ऑफ्लोक्सासिन होगा, एट द सेम स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रेंथ 200-200 mg, एंड यूज द सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या हो, सेम हो। तो ये सब चीजें सेम होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट With similar clinical and safety profile, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, clinical और safety profile भी same होना चाहिए, ठीक है। Thus therapeutic equivalence requires, इसीलिए therapeutic equivalence require है उसको, किस चीज की, that drug product are bioequivalent and pharmaceutical equivalent। Therapeutic equivalent तब कहा जाएगा उसको, सीधी सी बात यह है, जब drug क्या हो, bioequivalent हो और therapeutically equivalent हो, तो ही वो pharmaceutical equivalent हो तो ही वो थेरापेटिक इक्विवेलेंट कहलाएगा। यानी कि जब कोई दो दवाएं बायो इक्विवेलेंट और फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट होती हैं तो वो थेरापेटिक इक्विवेलेंट कहलाती हैं। क्लियर है। बायो इक्विवेलेंस कैन एन इश्यू विद द जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड और ट्रेड ड्रग। देखा, आगे वही बात लास्ट लाइन में मेंशन कर दिया है, बायो इक्विवेलेंस, यही मेन दिक्कत है कि जेनरिक और ब्रांडेड में बायो इक्विवेलेंस नहीं आता है, ठीक है। ऑल दो Both generic and branded may have the same amount of drug. Amount of drug मतलब जो मैंने यहां बताया कि जो main content है वो same रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। The bioavailability of the drug may be different. जो bioavailability है वो अलग हो जाती है। क्लियर है सारी बातें bioavailability को लेकर के, मजा आया, बहुत सारी बातें क्लियर हुई आज, ठीक है ना। ड्रग्स के बारे में पता चला, bioavailability काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक था और काफी इंपॉर्टेंट था, है ना, मजा आया होगा, काफी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो, और जो जो टफ लगती है उसको थोड़ा सा लिख करके भी देखते रहो, करोगे ना। ओके, क्या करना है, रिवीजन। ओके, ऑल द बेस्ट।